यह है दोस्तों आईसर 485, बिल्कुल न्यू मॉडल। इसका फुल रिव्यू करूंगा मैं वीडियो में, दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए। इसकी कमियां खूबियां सब बताऊंगा आपको। यह है दोस्तों आईसर 485, यह है आईसर 485 का लोबो, ये आईसर का लोबो। बड़ा शानदार स्टिकर बदल दिए, बड़ा शानदार लग रहा है। ये इसके पंखे दोस्तों, जिनसे ठंडा होता है हवा से। ये इसका बैटरी बॉक्स देखिए कितना शानदार है। इसका पावर स्टेयरिंग का फिल्टर है, ये देखिए कितना बड़ा है, कभी चोक नहीं होने का। ये देखिए डबल रोड वाला इसमें पावर स्टेयरिंग है, जो मेंटेनेंस फ्री रहता है। और फ्रंट टायर की बातें कर ले दोस्तों, फ्रंट टायर इसमें 616 के, अभी आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए 616 के फ्रंट टायर है। उस सामने से लुक इसका ऐसा लगता है, देखिए कितना प्यारा लुक है दोस्तों। आईसर का जाना माना ब्रांड है ये 485। देखिए ये पहले इसका बम्पर देखिए कितना भारी बम्पर है। ये सामने इसके लाइट देखिए, डिजिटल लाइट है इसकी, ये जाली है। सामने से बहुत प्यारा लुक है। इसका तेल वाला एल्किनर है, देखो दोस्तों ये कुछ स्टिकर वगैरह इसके। और ये इसका डीजल पंप है, बोस का इनलाइन पंप। देखिए इसके डीजल फिल्टर है दोस्तों, ये डीजल का वाटर सेपरेटर है, और ये इसके डिजिटल मीटर है। ये देखिए कुछ नया मीटर इसमें ऐसा आया है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में। डिजिटल मीटर है दोस्तों, ये डिजिटल मीटर के साथ है। ये देखिए इसका लुक, ये हैंड रेस है इसकी, कितना प्यारा लुक है दोस्तों। ये इसके इंडिकेटर स्विच है, ये हॉर्न का स्विच हो गया, ये देखिए ये चाबी वाला स्विच हो गया, ये नीचे इंजन ऑफ वाला स्विच हो गया, ये गियर वगैरह इसके। एडजस्ट सीटें इसमें दोस्तों अपने वेट के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो आप। ये देखो 1428 के बैक टायर है इसमें, पिछले टायर, और पीछे से कुछ ऐसा लुक है दोस्तों। देखो ये देखिए, वाह, ये इसकी ड्रेवाल पट्टी है, ये टॉपलिंग है, ये टॉपलिंग है दोस्तों। ये इसका पीटीओ का सापट है, 38.5 की इसकी पीटीओ एचपी दोस्तों। इसका रिफ्लेक्टर, ये पानी होल्डर, पानी बोतल रखने के लिए। ये कुछ पीछे से लुक है इसका दोस्तों। देखिए इसकी बैक साइड की लाइट देखिए दोस्तों, स्विच भी इसमें ही लग रहा है इसका, ये लग रहा स्विच। ये देखिए यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो दोस्तों आप इसे। इंजन का दमदार है इसमें दोस्तों, आईसर का इंजन है अपना, रिकार्डो इंजन है इसमें, 45 HP का ट्रैक्टर है। ये देखो कुछ ऐसा लुक है इसका दोस्तों।